दोस्तों, आज हमारे अभ्यास का दिन है। पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज हम वेयर मतलब कहाँ इस शब्द का इस्तेमाल करके प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Where do you live? I live in Gopalpura. Where does your friend live? She lives in Meengaon. Where is your bag? It is in the bus. Where is your book? It is on the table. Where is your pencil? It is under the book. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में आप जहां भी हो, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समर जाएगी। वेयर मतलब कहां। तुम सबने वेयर इस शब्द से शुरू होने वाले कई प्रश्न सुने होंगे और उनके उत्तर भी सुने होंगे। ऐसे ही प्रश्न उत्तर अब तुम्हें बोलनी है। क्या पूछना है ये मैं हिंदी में बताऊंगी। घंटी बजते ही टीचर जी दो बच्चों को खड़ा करेंगी। दो हैं तैयार। एक को दूसरे से अंग्रेजी में पूछना है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, और दूसरे को उत्तर देना है। शुरू करें। Is your book? ऐसे ही प्रश्न पूछा ना, और उत्तर It is on the table या It is in my school bag। ऐसे ही दिया ना। अब दूसरे दो बच्चे, क्या पूछना है ये मैं हिंदी में बताऊंगी। एक को अंग्रेजी में पूछना है, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है, और दूसरे को उत्तर देना है। शुरू करो। वेयर मतलब कहाँ। वेयर से शुरू होने वाले प्रश्न इस पाठ के बाद टीचर जी बाकी बच्चों से भी पूछेंगे, लेकिन अब हम किसी और चीज का अभ्यास करेंगे। पिछले एक पाठ में तुम सबने अंग्रेजी में फलों के नाम सीखे थे ना। अब ऐसा करते हैं कि मैं फलों के हिंदी नाम बोलती हूँ और तुम सब उनका अंग्रेजी नाम एक साथ बताना, लेकिन आवाज जरा धीमी करके। हाँ, टीचर जी तुम्हारी मदद करने के लिए है ही। अमरूद,
अमरूद को कहते हैं ग्वावा, तरबूज, तरबूज को वाटरमेलन कहते हैं, केला, केले को कहते हैं बनाना, अनानास, अनानास को कहते हैं पाइन एप्पल, मौसम्बी, मौसम्बी को कहते हैं स्वीट लाइम, पपीता, पपीते को कहते हैं पपाया, सेब, सेब को कहते हैं एप्पल, संतरा, संतरे को कहते हैं ऑरेंज, अंगूर, अंगूर को कहते हैं ग्रेप्स, आम, आम को कहते हैं मैंगो।